आप देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आज यानी 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे है, तो आज के दिन लोग भारी तादाद में प्रार्थना करने के लिए दिल्ली के अलग अलग चर्च में जाते हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते कारणों की वजह से जो चर्च है इस बार बंद कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि गोल मार्केट का चर्च है जहाँ पर जो है ये गेट जो है वो पूरी तरीके से बंद कर रखे हैं, लेकिन लोग प्रार्थना करके बाहरी जो कैंडल है वो यहाँ पर जलाकर वो जो है वो जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, हम बात करते हैं। मैडम, आज के दिन का कितना इंतज़ार रहता है और आज जिस तरीके से कोरोना को देखते हुए पूरे जो चर्च हैं वो पूरी तरीके से बंद कर रखे हैं? यह इंतज़ार तो हमें पूरे साल का ही रहता है कि आज का दिन है, हम लोगों क्रिश्चियन है तो हम लोगों को तो ऑब्वियस सी बात है आज के दिन आना होता है, बट आज बंद है। दुख है, कोरोना जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर हम लोग भी अब बस चर्च में अंदर एंट्री लें। आज के दिन को किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअली हम लोगों का मॉर्निंग में उठ के प्रेयर करना, फिर चर्च में प्रेयर करने के लिए हमें चर्च आना होता है, उसके बाद हम लोग अपना बच्चों के साथ इंजॉय करना, फैमिली के साथ इंजॉय करना, अगर कोई डोनेशन करना चाहता है कोई डोनेशन करता है, अदरवाइज जिसको जो इंजॉयमेंट यार भी रहता होगा आज के दिन का। ऑफ कोर्स हम लोग पूरे महीने पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि हाँ भाई क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, बिकॉज हम लोग क्रिसमस और गुड फ्राइडे यही दो तीन फेस्टिवल्स होते हैं जो हम लोगों को सेलिब्रेट करने होते हैं। तो बिल्कुल पूरे साल का इंतजार रहता है। और कुछ लोग भी हैं मैडम, आज की अगर दिन की बात करें किस तरीके का इंतज़ार रहता है और आज कितनी मायूसी हो रही है कि चर्च के जो गेट हैं वो बंद हैं? सर बता नहीं सकते कि कितने ज़्यादा मायूस है, और पूरे साल भर का वेट रहता है कि हाँ क्रिसमस आएगी, बच्चों में भी इतना एक्साइटमेंट रहता है क्रिसमस के लिए, और सब मतलब यही रहता है कि हाँ क्रिसमस के दिन प्रेयर करनी है, सब कुछ है, मगर अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसे ही लौटना पड़ा है। ओनली कैंडल जलाई जीसस क्राइस्ट के यहाँ सामने, तो बस अब घर की तरफ ही निकल रहे हैं, तो मतलब बुरा लग रहा है ऑब्वियस है। अब जैसे सबको अपने 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 फेस्टिवल्स का इंतज़ार रहता है, उसी तरीके से हमें भी है। ये ऐसी बात नहीं है कि ओनली क्रिश्चियंस ही, इधर सब बहुत हिंदू भी हैं, सब जाति धर्म के लोग हैं, सब बेचारे मायूस होकर लौट ही रहे हैं, तो बस यही है। लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है फिर दोबारा से, इसके लिए भी प्रार्थना की आप लोगों ने? हाँ ऑब्वियस सर, पर यीशु मसीह ने तो ये बोला कि सबके लिए प्रेयर करो, प्यार बांटो, तो ऑब्वियस है सबके लिए प्रेयर करी, जिसको जानते हैं उनके लिए भी और जिसको नहीं जानते उनके लिए भी, तो बस यही कहा कि ये कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि हम अपना कंटिन्यूसली हर क्रिसमस या हर संडे को चर्च आएँ, प्रेयर करें, तो अब बस ये घर जाके प्रेयर करते हैं, घर में जाके थोड़े से बाइबल पढ़ेंगे तो वही सेलिब्रेट होगा फैमिली के साथ, तब बस यही है। तो बिल्कुल फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस दिन का खास इंतज़ार जो है वो लोगों को रहता है, क्योंकि लोग प्रार्थना करते हैं, खुशियां बांटते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो उस दिन जो है चर्च के गेट जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। लेकिन जो लोग यहां पर आ रहे हैं वो प्रार्थना करके जो है वो वापस जा रहे हैं। ये गोल मार्केट के चर्च का मेन गेट है। आप देख सकते हैं कि इस मेन गेट पर दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस यहाँ पर ध्यान भी जो है वो रख रही है। यहाँ पर एक बैनर भी लगाया गया है कि कोविड की वजह से जो चर्च है वो पूरी तरीके से आम लोगों के लिए बंद है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो अंदर जो है वो मौजूद है। लेकिन कोरोना के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं इसको देखते हुए सरकारों ने और जो दिल्ली के चर्च हैं उन्होंने फैसला लिया है कि आम पब्लिक के लिए जो चर्च है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो लोग प्रार्थना करने आ रहे हैं वो भारी कैंडल जलाकर वापस जा रहे हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए कमल कुमार कंसल। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।